गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडे वी विल डू चैप्टर 8 ऑफ ईवीएस ऑफ क्लास 3। देखो पहला बर्ड क्या कह रहा है। ऑन माय हेड आई हैव अ क्रेस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट, ऑफ माय फेदर्स आई एम प्राउड, बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। तो किसके सिर पर क्रेस्ट होती है और कौन बहुत अच्छा डांस करता है, ये कौन सा पक्षी है? पीकॉक, है ना। लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज माई टेल, हाई अप इन द स्काई आई सेल, आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, द डैश इज व्हाट यू कॉल मी। तो ये कौन सा पक्षी हमें नजर आ रहा है? ईगल, है ना। माई फेदर्स आर ग्रीन, माई बीक इज रेड, ग्वावा एंड ग्रीन चिल्ली आई एम फेड। ये तो सबको ही पता है, ये कौन है? पैरट। कौन खाता है चिल्ली और हरे रंग का कौन होता है? पैरट या तोता, ठीक है। ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज माई डैश, काउ काउ आई डू ऑल डे लॉन्ग। तो किसकी ब्लैक फेदर्स और ब्लैक बीक होती है? क्रो की, है ना। कुहू कुहू इज माई साउंड, एवरी वेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, डैश इज माई नेम। कुहू कुहू कौन बोलती है? कोयल। कोयल को हम क्या बोलते हैं? कुकू बर्ड। डेड एनिमल्स आई डू ईट, मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट, हाई अप इन द डैश आई फ्लाई। कहाँ पर फ्लाई करता है कोई पक्षी? स्काई में। और वल्चर तो बहुत हाई फ्लाई करता है। माय बीक इज वेरी स्पेशल, आई यूज इट लाइक अ नीडल, स्टिचिंग लीव्स आई मेक माय होम, द डैश बर्ड इज हाउ आई एम नोन। तो ये कौन सा बर्ड है जो अपने नेस्ट सिलकर बनाता है? द हमिंग बर्ड। माय बीक इज पिंक, फेदर्स ग्रे, गटर गुहू आई गो ऑन, I go on all day, in houses I make my home, a dash is how I am known। तो ये तो almost सबके घर के आसपास पाया जाता है pigeon। In trunk of trees holes I make, hidden insects I intake, tuk 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 I work all day, the woodpecker is what people say। तो ये कौन सा पक्षी है? woodpecker, क्योंकि ये wood में peck करता रहता है सारा दिन, टक टक करके उसमें छेद करता रहता है। Why is there so much noise in the jungle? I just cannot sleep। क्योंकि सभी जो पक्षी थे वो पीछे बात कर रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे, इसलिए शोर मचा हुआ है जंगल में। There are the birds are all praising themselves and shouting। तो ये कौन है? ये कह रही है कि जो birds हैं वो सब अपने बारे में praise कर रहे हैं और shout कर रहे हैं। The owl said, "Stop this hullabaloo! Why are you quarrelling? We all are special in our own ways. Our claws, beaks, feathers, and sounds are different, yet we all are birds. If we all look alike, ate the same food, and made the same sounds, think how dull the world would be." तो owl क्या कह रहा है कि अरे ये हल्ला मचाना बंद करो, तुम लड़ क्यों रहे हो आपस में? क्योंकि पीछे ये सारे पक्षी अपनी अपनी तारीफ कर रहे थे, तो सब अपनी अपनी गा रहे थे। तो उसने बोला, आउल ने कहा कि हमारे जो क्लॉज, हमारे बीक्स, फेदर साउंड सब अलग है। अगर हमारा सब कुछ सेम होता तो सोचो ये दुनिया कितनी बोरिंग लगती। विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन इन द लेसन हैव यू एवर सीन, राइट देयर नेम्स। तो पीछे जितने भी पक्षी आपस में लड़ रहे थे, अपनी प्रेज कर रहे थे, उनमें से जितने भी आपने पक्षी देखे हैं उन सभी के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्रीज, इन वॉटर, ऑन द ग्राउंड एंड इन अराउंड बुशेस, हाउ मेनी बर्ड्स यू कैन सी। तो आपको इन सभी जगह पर, बाहर जाएंगे जब आप, तो ट्रीज पर, पानी में, ग्राउंड पर और पेड़ों के आसपास जितने भी पक्षी नजर आते हैं आपको वो सब बताने हैं कि आपने कितने देखे हैं। इन द टेबल राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड एंड टिक द प्लेस वेयर यू सॉ देम। इफ यू डो नॉट नो द नेम ऑफ एनी बर्ड देन राइट हाउ यू वुड नो इट।
तो अब यहाँ पर आपको टेबल दी गई है, यहाँ पर आपको लिखना है उस बर्ड का नाम जिसको आपने देखा। जैसे कि मान लीजिए आपने पिजन को देखा, अब इसमें से आपने उसको कहाँ पर देखा, क्या वो आपके घर में था? ठीक है, अगर आपके घर में था तो आप टिक लगा देंगे। जैसे मान लीजिए आपने क्रो को देखा, क्रो को कहाँ देखा, उड़ते हुए देखा, तो उड़ते हुए पर टिक लगेगा, फ्लाइंग उड़ते हुए पर। ठीक है, अगर आपने किसी स्पैरो को देखा है, मान लीजिए पेड़ पर बैठे हुए, तो पेड़ पर बैठे हुए टिक लगेगा। ठीक है, हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। अभी यहां पर देखिए, इसकी कर्व बीक है, इसकी सीधी बीक है, और इसकी तो डिजाइन वाली बीक है। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ द बर्ड्स, लुक एट देम केयरफुली, आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स। तो ये तो बहुत आसान है, ये हमें पता है ग्रीन कलर का पैरट है, ये क्रो है, और कलगी वाला कौन है, पीकॉक है ना। और ये कौन है, ईगल, ये आपका फ्लेमिंगो है, या ये शायद स्वैन भी हो सकता है। और यहां पर आपको अपनी पसंद का कोई भी एक पक्षी ड्रॉ करना है, उसको कलर करना है, उसकी बीक और फेदर्स अच्छे से बनाने हैं। जस्ट एज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, दे ऑल्सो नीड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, राइट? वाइल सम ईट फ्रूट्स, सम ईट सीड, सम ईट एग्स, एंड वाइल अदर्स ईट फ्लैश। तो सभी, जैसे सबकी बीक्स अलग होती हैं, सभी का खाना भी अलग होता है, सभी पक्षियों का। कुछ पक्षी फ्रूट खाते हैं, कुछ पक्षी सीड्स खाते हैं, कुछ एग्स खाते हैं, तो कुछ फिश खाते हैं। यहां पर आपको मैच करना है, देखिए आपको मैच करके दिया गया है, ये देखिए आप, ये क्या खाता है, तो देखिए ये क्या खाता है, ये वल्चर है, ये खाता है डेड एनिमल्स। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये बर्ड मरा हुआ है। ये ईगल है, ये क्या खाएगा, रैट खाएगा। तो रैट कहाँ बना हुआ है, ये रहा। ये वुडपैकर है, ये इंसेक्ट्स खाता है, वॉर्म्स खाता है, ये पैरट है, चिल्ली खाएगा, और ये पिजन है, ये सीड्स खाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से मैच करना है। हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज, देयर नेक मूवमेंट्स ऑल्सो डिफर, द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फ्रॉथ विद अ जर्क, द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, कैन यू मूव योर नेक लाइक द आउल। क्या आपने देखा है कि बर्ड्स फ्लाई और वॉक दोनों अलग अलग तरीके से करते हैं, सभी अलग अलग बर्ड, उनकी जो नेक की मूवमेंट्स होती हैं वो भी अलग होती हैं। जो मैना पक्षी होता है वो अपनी नेक को, अपनी गर्दन को आगे और पीछे की तरफ झटके से हिलाती है, और जो आउल होता है वो अपनी नेक को पूरा रोटेट कर सकता है पीछे की तरफ काफी हद तक। तो क्या आप भी कर सकते हैं? देर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आर वॉइस, डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड, ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। क्या आप किसी ऐसे बर्ड को जानते हैं जो कि आपकी वॉइस को, आपकी आवाज की नकल उतार सकता है? अगर हाँ तो उसकी पिक्चर बनाइए, उसको कलर कीजिए और उसका नाम लिखिए। गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स, लुक एट देयर फेदर्स एंड लिसन टू द साउंड्स मेड बाय देम, कॉपी द साउंड्स मेड बाय एनी थ्री बर्ड्स, कॉपी देयर नेक मूवमेंट्स टू, आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस द बर्ड्स विच यू कॉपी। बाहर जाइए, कुछ बर्ड्स को देखिए, देखिए वो कैसे चलते हैं, अपनी गर्दन को कैसे घुमाते हैं या मूव करते हैं, उनके फेदर्स को देखिए, उनकी साउंड्स को सुनिए। कुछ, कोई भी तीन बर्ड्स की साउंड कॉपी कीजिए, उनकी नेक मूवमेंट्स को कॉपी कीजिए, फिर अपने दोस्तों को करके दिखाइए, देखते हैं आपके दोस्त कितने बर्ड्स को गेस कर पाते हैं। द फेदर ऑफ द बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज, देयर फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू। From time to time, birds lose their old feathers and new ones grow in their place. You must have often seen feathers of birds lying around. जो feathers होते हैं birds के, वो भी अलग अलग shapes और colors और sizes के होते हैं।
जो फेदर्स होते हैं वो बर्ड्स को फ्लाई करने में तो हेल्प करती हैं, उन्हें ठंडी में गर्मी भी देते हैं। और समय समय पर जैसे हमारे बाल झड़ते हैं वैसे ही पक्षियों के फेदर्स भी झड़ते हैं। आपने कई जगह पे फेदर्स गिरे हुए देखे होंगे, बच्चों को बहुत शौक होता है इकट्ठे करने का। ऐसे ही इकट्ठे कीजिए जितने भी फेदर्स आपको अपने आसपास मिलते हैं। कलर कलेक्ट फेदर्स विच यू फाइंड लाइंग अराउंड, स्टडी देयर शेप साइज कलर एंड डिस्कस अबाउट इट। मेक द पिक्चर ऑफ अ बर्ड इन योर नोटबुक एंड पेस्ट द फेदर्स ऑन इट, राइट इट्स नेम। तो आपको अपने आसपास जितने भी फेदर्स मिलते हैं सब इकट्ठे कीजिए, उनकी शेप साइज कलर को स्टडी कीजिए, एक बर्ड बनाइए अपनी नोटबुक में और उस पर वो सारे फेदर्स चिपका दीजिए, फिर उस बर्ड को नाम भी दीजिए। अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बैट यानी चमगादड़ एक ऐसा एनिमल है जो फ्लाई कर सकता है। आपको ऐसे जितने भी आपको एनिमल्स पता है उनके नाम लिखने हैं। इफ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो, व्हाट एल्स वुड यू डू। अगर आप भी बर्ड की तरह फ्लाई कर पाते तो आप कहाँ जाते उड़कर, और आप और क्या क्या करते, तो आपको वो सब यहां लिखना है। What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? अगर birds fly ना कर सकते होते सिर्फ feet पर चलते तो क्या होता, तो हमें कोई पक्षी उड़ता हुआ ही नहीं दिखता ना, है ना। तो आपको अपनी feelings लिखनी है या आपको अपने विचार लिखने हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। अब यहाँ पर आपको एक activity दी है, इन steps को follow करते हुए आपको ये कुकू बनाना है, ठीक है, कॉक बनाना है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। बाय बाय।